अगली खबर का रुख करेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव शुरू हो चुका है, उल्लास का माहौल हर जगह दिखाई दे रहा है। भगवान राम की नगरी में उनके स्वागत के लिए हर कोने में दीप जगमगाएंगे। 3 नवंबर को राम की पौड़ी पर 9 लाख दीप जलाने का लक्ष्य तय किया गया है, जबकि 3 लाख दीयों से मठ मंदिर रोशन होंगे। श्री राम जन्मभूमि राम की पौड़ी सरयू घाट से लेकर रामकथा पार्क तक सतरंगी लाइटों की सजावट की गई है। अयोध्या में सैंड आर्टिस्ट रुपेश सिंह ने रेत पर रामायण के प्रसंगों पर आधारित आकृति बनाई है। आपको बता दें कि अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन इस बार पिछले वर्षों से भी ज्यादा दिव्य और भव्य होगा। 3 नवंबर को सरयू किनारे बने राम की पौड़ी घाट पर अब तक का सबसे आधुनिक लेजर शो होगा। 5वें दीपोत्सव पर सऊदी से आई 337 फीट की स्क्रीन लगाई गई है। स्क्रीन पर महर्षि वाल्मीकि दिखेंगे और राम कथा सुनाएंगे। 3 लेयर की लाइटों के साथ 32 फीट पर साउंड सिस्टम लगाया गया है। इस बार अयोध्या में करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत के ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी भी की जाएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता भूपेल अहमद फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी विस्तार से जानकारी दें। थोड़ा वॉल्यूम दीजिए, आवाज कम आ रही है जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अयोध्या का ये 5वां दीपोत्सव है, इसको बड़ी हर्षोल्लास से बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और अयोध्या को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है, क्योंकि कल 3 तारीख को जो है यहाँ पर दीपोत्सव का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 9 लाख के ऊपर दिए जलाएंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद रहेंगे और जितने भी लगभग जितने वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और मंत्री हैं, लगभग इस दीपोत्सव में सभी लोग होंगे और इस कार्यक्रम का पूरा आनंद लेंगे, क्योंकि नए घाट को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है। मनमोहक लाइटें लगी हुई हैं और लोगों को यहाँ पर आने की आज से कोई एंट्री नहीं है, उन्हीं लोगों को एंट्री दी जा रही है जिनको डीएम द्वारा या सूचना विभाग द्वारा पास दिया गया है, वही वहाँ पर एंट्री देंगे, ताकि और किसी लोगों को वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है। अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो फूलों की बारिश से हेलीकॉप्टर के द्वारा फूलों की बारिश होगी, रामायण का जो है पूरा यहाँ पर कार्यक्रम लेजर लाइटों के माध्यम से दीवारों पर दिखाया जाएगा। जी भारती, तो फिर ये बताएं कि हर बार की तरह इस बार ये कार्यक्रम कितना अपने आप में अनूठा रहने वाला है, क्या हर बार से ज्यादा यहाँ पर इस बार रौनक देखने को मिलने वाली है? इसके अलावा पिछली बार से और अब में कितना अंतर नजर आ रहा है? जी वर्षी देखिए, क्योंकि कोरोना काल का समय था, उस वक्त ऐसा माहौल था कि लोग बाहर घरों से नहीं चले थे, इसलिए पिछली बार दिवाली में इतना उल्लास लोगों में नहीं था, लेकिन इस बार क्योंकि माहौल बिल्कुल ठीक हो चुका है कोरोना वायरस से भी, लोग इस वक्त बिल्कुल निश्चिंत हैं और लोग आप घरों से भी निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, और जो जिस तरह से प्रशासन द्वारा पाबंदी लगाई गई थी उन पाबंदियों को भी हटाया गया है, अब लोग इस त्यौहार को बिल्कुल हर्षोल्लास से मना रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में देखिए योगी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, प्रदेश से योगी जी ने कमान संभाली है प्रदेश में, सबसे लगातार यहाँ 5 वर्षों से दीपोत्सव का एक अलग ही माहौल देखने को मिला है। अयोध्या को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया जाता है, संवारा जाता है और जगह जगह दीवारों पर मनमोहक तस्वीरें लगाई बनाई जाती है पेंटिंग के द्वारा, जो वाकई में अपने में एक काबिले तारीफ है। जी भारती जी, तो फिर तमाम जानकारी के लिए आपका